उस प्रज्ञा गैंग को जब तुम पर शक हो चुका है तो उनके शक को यकीन में क्यों बदल रही हो? क्या जरूरत तुम्हें अपनी मॉम से ऐसे बात करने की? क्या करूं आजा, किस पे अपना गुस्सा उतारूं? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हार में मैं उस प्रज्ञा पे गुस्सा निकालना चाहती थी, लेकिन इन्हें वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मर गई क्या प्रज्ञा? अगर मर जाती तो मैं इतनी गुस्से में नजर नहीं आती, तुम नाच रही होती अभी मैं। तो फिर वो वहां से भाग गई और वो यहाँ पे घर पे आ रही है, किसी भी वक्त पहुंच रही होगी। बस भाग गई? अरे कैसे भाग गई? वो निखिल के चंगुल से कैसे बच सकती है? वो बोला था कि वो निखिल एक नंबर का बेवकूफ इंसान है, किसी काम का नहीं। बस बातें करवा लो, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, लेकिन नहीं, उसके बस का कुछ है ही नहीं। हर बार उसे प्रॉब्लम क्रिएट करनी, अनबिलीवेबल। जब वो यहां पर आया था मैंने बोला था उसे बीच में इन्वॉल्व मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें भी बहुत पड़ी हुई है कि निखिल को हर चीज में तुम्हें इन्वॉल्व करना ही करना है। और गलती उस निखिल की भी नहीं, गलती तुम्हारी है तनु। हर चीज तुम्हें बिना पूछे करनी, अपनी चलानी, तो अब चलाओ। निकल गई वो प्रज्ञा उस निखिल के हाथ से, क्या करोगी तुम? अब कुछ नहीं कर सकती। आई स्वेयर, अगर कानून अगर एक खून माफ करे ना तो उस प्रज्ञा की छोड़, उस निखिल को जान से मार दूं मैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। जी, पहले जो हो गया उसको छोड़ो आप। अब आप ये बताओ अब क्या करना है? ये आवाज कहां से है? आवाज तो इस तरफ से आई है। लगा तो मुझे भी कि आवाज इस तरफ से आई है, लेकिन अगर हम सब यहां पे हैं तो वहां पे कौन है? होगा कोई बिल्ली चूहा, और यहां पे कौन आ सकता है? भाई भूत भी तो हो सकता है, भूत। देखो देखो देखो, भूत नहीं है तो भगवान आए हैं, स्वयं तुम्हें दर्शन देने भगवान है। इतना अच्छा काम कर रहे हो ना। हाँ देखो, हाँ भगवान होंगे क्योंकि बजरंगबली होंगे, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूं। मैं बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। चल, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त यहां पे सिर्फ 3 लोग हो सकते हैं। एक या तो ये प्रज्ञा है जो यहीं कहीं है और हमें चुपचाप उसे ढूंढना होगा। 2 ये अभी हो सकता जो प्रज्ञा को ढूंढने यहां आया, या तीसरा ये मैं बताऊं सर, पुलिस हो सकती है। हो सकता है पुलिस हमें ढूंढने आई हो या किसी ने पुलिस को भेजा हो। नहीं यार, ये पुलिस नहीं हो सकती, मगर पुलिस का कोई बंदा जरूर हो सकता है जो उन्होंने भेजा हो ताकि वो प्रज्ञा को ढूंढ सके। जी ये हो सकता है, और तुम जाके चेक करो। जी रुको, हाँ अपना ये मुंह ढक के जाना। अरे कुछ नहीं चंदे, नहीं वेरी गुड। मुझे घोड़ों के तबीले में आता था, मैं शायद गलत जगह पर पहुंच गया। आप लोग कौन हो? जितना बोला उतना जवाब दे। बॉस मुझे लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। पक्का? पक्का बॉस पक्का। ये लोग मुझे नहीं पहचानते तो अच्छा यही होगा कि बिना बताए यहां से निकल लूं और चुपचाप जाकर प्रज्ञा को ढूंढना शुरू कर दूं। भाई साहब मुझे ना घोड़ों के तबेले में जाना था, मैं गधों के तबेले में पहुंच गया। I'm sorry, excuse me, okay? रुक, ए, रुक, रुक। अरे पापा रुक। Oh my darling, give me a look. दिल मेरा दिल।
ये कहाँ गायब हो गया? वो गेम खेल रहा है, तुम तीनों उस तरफ देखो और अलग अलग, समझे? Okay. अच्छे से तू एक काम कर, हम उस तरफ देखते हैं। ये फुगी क्यों नहीं मिल रही है? आवाज लगाओ क्या? नहीं यार, आवाज लगाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। इन्हें पता नहीं चलने दूंगा और एक एक करके सब जगह चेक करता हूँ कि फुगी है कहाँ। अरे घोड़ी बनाना आसानी होगा चढ़ने में। अरे तुमसे ना हो पाएगा, चलता हूँ रे। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये और कोई नहीं बल्कि अभी अभी द रॉकस्टार ही है। और ये यहाँ प्रज्ञा को बचाने आया, किसी भी हाल में अगर ये यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से भाग गया ना या बच गया तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, उसे किसी भी हाल में पकड़ना है, किसी भी हाल में। मुझे यहाँ आया वो प्रज्ञा का अभी है। क्या? हाँ जा फटाफट जा, उसे जाके पकड़, बचना नहीं चाहिए। जा वो अभिषेक मेरा है जो प्रज्ञा को बचाने आया है। अगर वो यहाँ से निकला ना तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, चार से मार दूंगा। जाओ। इसका मतलब प्रज्ञा यही है, मतलब मैं सही जगह पे आया हूं। पर ये कौन है जो मुझे जानता है? वॉकी टॉकी पे कौन बात कर रहा है? मिला? नहीं मिला भाई। मिला? नहीं मिला। तुम लोग ऐसे कुत्तों की तरह झुंड बना के उसे मत ढूंढो। अकेला अकेला आदमी अकेले अकेले कोने में ढूंढेगा, अकेले अकेले कमरे में, समझे? अब जाओ 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 रे। ठीक है चलो। मुंह क्यों खुला रखा है? मुंह ढक अपना। चल अरे किधर है भाई? मिला? नहीं मिला, कब से ढूंढ रहा हूं भाई, मिला ही नहीं किधर भी। चल तू तो देख, मैं तो देखता हूं। जा पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।